जिस जगह पे है, इस नदी का नाम है कोपाई नदी, और इसके ऊपर फेमस नोबेलिस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखा था डेमो। कैसे वो पकड़ पता है ना? हाँ पकड़ो पहले अच्छी तरह से। हाँ गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है सदाम, अगर आप नया देख रहे हो तो। सो ये तो कल रात को बैयापुर में आ गए थे, जैसा कि आप सबने नेक्स्ट वीडियो में देखा कि हम लोग ने कुछ खाए हुए हैं और बिरयानी वगैरह रात को मंगाए थे, कुछ खाए पिए हुए हैं और बोला था भैया को रूम का टूर मैं दूँगा आप सबको भैया का सेटअप का। तो वीडियो भी मैं अपलोड कर दी हूँ अपना, और कुछ काम ही कर रहा था सो बैक कैमरे से देखो आप। तो वीडियो अपलोड हो चुकी है, नहीं देखो जाओ जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का। तो बस एडिट वगैरह का, बस रात को सिर्फ एडिट वगैरह का काम ही चल रहा था कि वीडियो एडिट करना है और अपलोड करना है। तो एडिट हो गया वीडियो, थंबनेल वगैरह सब चीज़ एडिट करके अपलोड कर दो वीडियो को। और आपको सोने में काफ़ी लेट हुआ था इसलिए सुबह में थोड़ा ज़्यादा लेट से उठा हूँ। और अभी आज का डेट है, सो आज का डेट है 9 अगस्त और टाइम हो रहा है अभी 9:40। तो थोड़ा लेट से सोकर उठे लोग, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा लेट से सोए थे लोग। सोए तो सुबह से उठ के थोड़ा मॉर्निंग व्यू ले लेते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो भैया आते हैं तो फिर भैया से बात करते हैं आज कहाँ कहाँ जाना है घूमने के लिए। तो भैया पाने दीजिए, पहले थोड़ा और भी काम है, पहले थोड़ा काम कर लूँ। निकल चुके हैं और हाँ पहले ब्रेकफास्ट कर दो, उसके बाद फिर से चलते हैं घूमने के लिए। वाइट एंगल लेंस तो है ही नहीं, हम लोग थोड़ा सा दुकान में और ब्रेकफास्ट करने के लिए। भैया Bye.
गाइस यार इतना मजा आ रहा ना सुबह का टाइम, इतना मजा आ रहा कि मैं क्या बताऊँ आप सबको यार। एक से एक मतलब जो व्यू है ना यहाँ का, एक नंबर व्यू है। ऐसे आप जो सामने जो मोड़ देख रहे हैं सामने, वो मोड़ जाता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और अभी मैं एक मोड़ पर खड़ा हूँ, तो ये कुछ अगल बगल कुछ नज़ारा है। और भैया अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो भैया का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप सब बेंगोली देखना पसंद करते हो तो छोटा। और अभी हम जिस जगह पे हैं, इस नदी का नाम है कोपाई नदी, और इसके ऊपर फेमस नोबेलिस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखा था बंगाली में, हमारे छोटो नदी चले आके बाकी बोईशाख मासे तार हाटू जल थाके। इसका मतलब है कि ये जो नदी है इसका जो टर्निंग है ऐसे ऐसे चलते हैं। और जो बंगाली में एक अलग कैलेंडर होता है उसमें बैसाख, इसका मतलब होता है कि गर्म के महीने में उसका जो पानी है वो इतना रहता है हाटू की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि अभी बारिश का टाइम है, अभी इसका पानी यहाँ पर तो थोड़ा ज़्यादा है, हम दिखाएंगे और एक जगह पर शांति निकेतन में बाद में। इसी का ही पानी आप ऐसे ही चल जा सकते हो वहाँ से, तो इसको लेके ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था ये कविता। तो आप ये जो पीछे जो ये जो पार्क जो देख रहे हो, ये पार्क एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और ये नदी का साइड में ही इस पार्क को बनाया जा रहा है। तो अभी तो ही इस पार्क का काम चल रहा है, पता नहीं देखते हैं कब तक ये पार्क पूरा कंप्लीट होता है। तो फिर चलिए आगे का व्यू देखते हैं। ये हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, बाकी का इसका स्टोरी भैया आगे बताएंगे आप सबको। तो ये टेंपल আপনারা কি এর আগে এসেছেন এখানে? আমরা প্রতি এক মাস অন্তর সোমবার দিন আসি, চেষ্টা করি সবাই গরিব গ্রামে পৌঁছাতে। তাহলে আপনি আগরতলা থেকে ত্রিপুরা থেকে এসেছেন, তো সেখানে কোথায় এক্স্যাক্টলি যদি আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই? ত্রিপুরা আগরতলা লিখছি উনি
আচ্ছা তাহলে আপনারা প্রত্যেক মাসে চেষ্টা করেন একবার করে আসুন চেষ্টা করি আগামীতে চেষ্টা করব সব সময় চেষ্টা করব যাব যতটুকু পারি ত্রিপুরা তো ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দির আছে আচ্ছা ওখানেও আমরা মায়ের মন্দিরে যেন যতটুকু পারি একটু করি আচ্ছা আমাদের এবার মনে হলো একটু কঙ্কালী তলা কালীবাড়িতে গিয়ে মার মন্দিরে পূজা দেব একটু প্রসাদ দেব শিবের আজকে শিবের সমাবেশ শুরু আছে শিব মাসের শিব দিনে আমরা শিবলিঙ্গে জল দেব আপনারা পাঁচজন কে ये जो टेंपल है इस टेंपल में मतलब डेली हमेशा भोग का ये इंतज़ाम रहता है खाने वगैरह का इंतज़ाम रहता है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता ये है ना कि ना डेली मतलब मंदिर में खाना वाना खिलाया जाता है। तो कभी कभी जो लोग हैं मतलब जिनका व्रत होता है कि मतलब भोग कराना है तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर टेम्पल में आकर मतलब इतना अभी टिकट वगैरह लेना है, एक टिकट का दाम है 50 रुपये। तो जितने सारे लोग जो भोग देते हैं लोग आके ये टिकट ले लेते हैं और टिकट लेकर फिर उस दिन बाँट देते हैं। तो जितना सारा जो ये पुण्य होता है ये उन लोग को मिल जाता है और ऐसे उन लोग गरीबों को बहुत खाना भी खिला देते हैं। तो ये कुछ ऐसा इतिहास था। और हाँ, इस टेंपल का ये टेंपल हिंदुओं में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाले टेंपल है। और आप बोलिए अभी हम जिस जगह पर है इसका नाम है सूरज जमींदार बाड़ी। और ये जो जमींदार बाड़ी है इसका स्पेशल है यहाँ का दुर्गा पूजा। यहाँ पर तीन जमींदार थे, मतलब एक जमींदार के तीन पुत्र थे, जोर से एक जमींदार के तीन पुत्र थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। और उसके हिसाब से इनको तीन डिवाइड किया, एक बड़ा बाड़ी, एक छोटा बाड़ी और एक मेजर। तो ये बड़ा है, इसके बाद और एक पार्ट है, हम जाएंगे वहाँ पर। यहाँ का जो सबसे स्पेशल है यहाँ का दुर्गा पूजा, बंगाली का जो दुर्गा पूजा होता है वह यहाँ का सबसे स्पेशल है। अलग तरह का ये माहौल होता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं इस जगह पर, यहाँ पर मूर्ति जो है दुर्गा माँ का बनता है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से खरीद के लिए आ जाता है, यहाँ पर एक महीने से बनता है मूर्ति, यहाँ पर बनाया जाता है एक फिक्स्ड। वहाँ का जो है कारीगर है वो आते हैं, बनाते हैं, फिर यहाँ पर दुर्गा पूजा उत्सवित होता है। और शांतिनिकेतन में जो जगह है, शांतिनिकेतन में श्रीनिकेतन गाँव में बहुत सारे जमीन इनके थे, तो इस हिसाब से इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ कि इनके वंश से जो भी वहाँ पर जाएंगे उनके लिए अलग से कोटा रहा जाएगा, जो कि राइट नाउ ख़त्म होने वाला है, पर फिर भी जॉब में और पढ़ाई में यहाँ के जो वंशज हैं उनके लिए अलग से एक कोटा अब भी है शांतिनिकेतन विश्वभारत यूनिवर्सिटी में। सो भैया तो सब कुछ समझा दिए हैं, तो हमको समझाने है, मतलब हमको पता भी नहीं है, भैया सब समझा दिए। सो ये है जमींदार का बारी, तो ऐसा कुछ है सीन यहाँ का, बाकी तो भैया समझा ही दिए आप सबको। तो यहाँ से निकलते हैं फिर, और भी जगह जाना है। सो ये तो जमींदार थे, इनका फैमिली मेम्बर्स में किसी का भी अगर शादी वगैरह होता है तो शादी के लिए वो यहीं पर आएंगे और यहीं पर उनका शादी होगा, चाहे वो कहीं पर भी रहे लेकिन शादी का टाइम में यहाँ पर सब कोई आता, पूरा फैमिली मेम्बर आता है, तो यहीं पर शादी वगैरह होता है। तो ये उनका एक परंपरा था। तो अभी निकलते हैं बाहर।
अभी हम जिस जगह पर है यहाँ पर जो काम आप देख रहे हैं ना, ये जो काम है इस तरह का काम करते हैं, इसको बोलते हैं टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा मतलब होता है कि मिट्टी का एक तरह का काम। आप जब देख सकते हैं ये देखिए, सब मिट्टी से एक प्रोसेस करके बनाया जाता है, बहुत प्राचीन है। इस तरह का काम बंगाल में ज़्यादातर पुरुलिया बांकुड़ा में देखा जाता है, या फिर हमारे इंडिया में बहुत सारे जगह पर जयपुर में इस तरह का कुछ नमूना यहाँ पर मिलता है। सो इस तरह का मंदिर यहाँ पर एक ही है, और भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, बीरभूम में शांति निकेतन में। सो ये देख सकते हैं ये जो काम है, इसमें मेनली हिंदू जो माइथोलॉजी होता है, जिसमें रामायण महाभारत आते हैं, उसका जो स्टोरी है उस स्टोरी को व्यक्त किया जाता है। इसमें आप जो काम देखते हैं ये नारायण मंदिर है, यहाँ पर हर एक पिक्चर में एक स्टोरी है जो माइथोलॉजी है हिंदू शास्त्र में, उसके ऊपर ये मंदिर बनाया जाता है। और ये नारायण जी का मंदिर है, और ये दो जो है ये शिव मंदिर, ये बाद में बनाया गया था। जो आप जो जगह देखो, इस जगह पर पंचायत होता है। मतलब पहले के टाइम में कोई भी मतलब जाता नहीं था ना, कोर्ट वगैरह में नहीं जाता था, तो लोग जो जमींदार होते थे वो मतलब बैठक बुलाते थे, अब पंचायत बुला कर बैठाते थे, और जैसे ज़मीन वगैरह कुछ हुआ ताम झाम तो उसका बंटवारा करते थे, तो वहीं पर होता था उस टाइम। और जो कुआँ देखो आप, उस टाइम का कुआँ अभी भी है, कुएँ के अंदर पानी अभी भी है, तो सब वैसा को वैसा ही है। और फिर से ये जमींदार का बारी आ गए लोग हम लोग, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, यार आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो मालूम है ना क्या करना आप सबको, तो यार वीडियो को कर दो एक लाइक, या अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख लियो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़ यार, और कमेंट करके बताओ कि आप सबको वीडियो कैसा लग रहा है अभी तक। सो आज का वीडियो इधर पर ही ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए हिंद।